नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ए के वर्मा और मैं कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में राजनीति विभाग का विभाग अध्यक्ष रहा और लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन किया। अध्यापन करने के दौरान हमारी बड़ी रुचि थी अपने छात्रों को सिविल सर्विसेज के लिए कुछ मदद करने की, और हम लोग प्रत्येक थर्सडे को एक क्लास किया करते थे जिसमें सभी फैकल्टीज के बच्चे पार्टिसिपेट किया करते थे। और अब क्राइस्ट चर्च कॉलेज से रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे हमारे छात्र उन क्लासेस को मिस करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस माध्यम से हम छात्रों तक पहुंचने की कोशिश करें। और आज से हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि सिलसिलेवार तरीके से IAS की तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे, जिससे कि हमारे छात्र विभिन्न जगहों पर जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उन तक मैं पहुंच सकूं। IAS की परीक्षा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसमें कि हमारे बेस्ट ब्रेन्स कंट्री के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं और जैसा हमारा अनुभव बताता है कि कुछ ही छात्र उसमें सफल हो पाते हैं और ज़्यादातर उसमें प्रयास करते रहते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न छात्रों के सामने हमेशा रहा है कि क्यों कुछ लोग IAS की परीक्षा में सफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग असफल हो जाते हैं। क्या जो छात्र सफल होते हैं उनमें कोई बहुत ऐसी खास विशेष योग्यता होती है जो अन्य छात्रों में नहीं होती, या इसका श्रेय हम भाग्य को दे सकते हैं कि भाई जिन लोगों का भाग्य होता है वो IAS में सफल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अपने अध्यापन के दौरान मैंने ये देखा कि बहुत सारे जो योग्य और मेहनती छात्र हैं वो भी कभी कभी IAS में नहीं सिलेक्ट हो पाए, और उनसे कम योग्य और कम मेहनती छात्र जो हैं वो IAS के एग्जामिनेशन में सफल हो गए। तो इनके कारणों पे जब हम विचार करते हैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो छात्र सफल होते हैं और जो छात्र असफल होते हैं उनमें कोई बहुत मूलभूत अंतर होता है ज्ञान का या परिश्रम का। पुस्तकें भी लगभग उसी प्रकार की सभी छात्र पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि IAS की परीक्षा में सफलता के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो परीक्षा की रणनीति होती है। और चाहे जितना भी आप ज्ञान रखें या जितनी भी आप मेहनत करें, अगर आपको IAS की परीक्षा की रणनीति नहीं पता है तो फिर हमें उसमें सफलता में काफ़ी संदेह होता है। तो मुझे ये लगा कि हमें अपने छात्रों को ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि IAS की परीक्षा में केवल ज्ञान और मेहनत के बलबूते पे वो अपने सफलता का आधारशिला न रखें, बल्कि वो उन रणनीतियों को जानने की कोशिश करें जिन रणनीतियों के आधार पर उस ज्ञान और उस मेहनत का जब संयोग होता है तब जाके IAS में सफलता मिलती है। दुर्भाग्य यह है कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो पढ़ाई होती है MA में और BA में, वो छात्रों को IAS की परीक्षा के लिए जो बेसिक्स हैं उससे रूबरू नहीं करा पाती, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी इवेल्युएशन सिस्टम और IAS का एग्जामिनेशन सिस्टम और IAS का इवेल्युएशन सिस्टम, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। रणनीति का जो IAS के एग्जामिनेशन में महत्व है वो इस बात से हम आपको महाभारत के एक प्रकरण से समझा सकते हैं कि महाभारत में हम लोग सभी लोग वाकिफ हैं कि चक्रव्यूह का जो प्रकरण हुआ था जिसमें केवल पांडव पक्ष को में अर्जुन को ही चक्रव्यूह भेदन करना आता था और पांडव पक्ष में जो भी बड़े बड़े प्रतापी योद्धा थे उनको चक्रव्यूह भेदन का रणनीति नहीं आती थी, और एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु जिसने कि अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की कला को सीखा था, हालांकि उसने सातों अंतिम चक्र के वेदन की कला में उसकी माँ को नींद आ गई है वो नहीं जान पाया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि महाभारत में केवल रणनीति के आधार पर छोटा बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में न केवल प्रवेश कर गया बल्कि उसने 6 द्वारों को पार कर सफलतापूर्वक पार करते हुए वो अंतिम पड़ाव तक पहुंचा। जबकि बड़े बड़े जो महारथी थे, युद्ध रण में कौशल में बिल्कुल निपुण थे और जो बड़े बलशाली थे, भीम आदि और युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, ये सब युद्ध कला में भाई बड़े माहिर लोग थे, ये प्रवेश तक नहीं कर पाए उस चक्रव्यूह में। तो ये शो करता है कि आप में ज्ञान जितना हो, बल जितना हो, लेकिन अगर आप में रणनीति नहीं है तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रणनीति अभिमन्यु के पास थी,
उसने सफलता प्राप्त की, अंदर गया, लेकिन उसके पास भी अंतिम चक्रव्यूह भेदन की रणनीति नहीं थी, वहां पे वो मारा गया। इसी प्रकार से आईएएस की परीक्षा भी बड़ी लंबी परीक्षा होती है और उसमें भी तीन चक्र या तीन द्वार होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें जो प्रथम चक्र है वो प्रारंभिक परीक्षा का होता है, द्वितीय चक्र जो है मोक्ष परीक्षा का होता है, और तृतीय चक्र जो है मौखिकी या साक्षात्कार की परीक्षा होती है। और सफलता के लिए आईएएस में सफलता के लिए इन तीनों ही चरणों का, इन तीनों ही परीक्षाओं को भेदने की रणनीति हमें छात्रों को बतानी है, हमारे छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इन रणनीतियों को नहीं जान पाएंगे तो जितना भी ज्ञान उनके पास होगा और जितनी भी वो मेहनत कर पाएंगे वो सारा का सारा हो सकता है व्यर्थ चला जाए। और ये चीज़ इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को फोकस करना और इस बात को, रणनीति को समझना कि ये आईएएस की परीक्षा की जो डिज़ाइन है, इन तीनों में जो तीन परीक्षाएं हैं, इन तीनों की रणनीति बिल्कुल अलग अलग है। कोई ऐसा नहीं कह सकता जी मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं तो वो मेंस में भी काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी, नहीं। प्रीलिम्स की तैयारी की रणनीति बिल्कुल अलग होती है, मेंस में परीक्षा की तैयारी की रणनीति बिल्कुल अलग होती है, साक्षात्कार की बिल्कुल अलग होती है। उसका कारण ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव किस्म के प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए एक बिल्कुल नए तरह की, अलग तरह की पढ़ाई और अलग तरह की रणनीति का पालन करना पड़ता है। जब हम उसको क्रॉस करते हैं और प्रधान परीक्षा में आते हैं, मेन एग्जामिनेशन देने को आते हैं, तब हम देखते हैं कि उसमें वस्तुनिष्ठ का कोई काम नहीं होता और उसमें हम जो है एक लेखन शैली पे आधारित एक ऐसी हमारी स्किल की परीक्षा होती है, हमारी लेखनी की परीक्षा होती है। और अगर उस हमको लिखने नहीं आता है तो फिर आईएएस की परीक्षा में कितना भी योग्य विद्यार्थी होने के बावजूद, कितना भी ज्ञान रखने के बावजूद, कितना भी मेहनत करने के बावजूद, अगर लिखने की कला से हम वाकिफ नहीं है कि क्या लिखा जाए, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। आईएएस की परीक्षा में क्वांटिटेटिव वहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए होता है, बड़े सीमित शब्दों में उत्तर देने होते हैं, और उस उत्तर में, उस उत्तर की एक संरचना होती है कि वो उत्तर किस प्रकार से जो है दिया जाए। तो इस तरीके से आईएएस में जो द्वितीय चरण है, मेन एग्जामिनेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें। लेकिन अगर आपने प्रारंभिक और मेन दोनों चरण निकाल लिए और तब भी अगर आपको इंटरव्यू की रणनीति नहीं पता है तो अभिमन्यु का हाल होगा जो अंतिम चरण में जाके मारा गया था। इसी प्रकार से जो छात्र साक्षात्कार की रणनीति नहीं जानेंगे उनके लिए ये तमाम सफलता प्रारंभिक और प्रधान परीक्षा की बेकार चली जाएगी। तो साक्षात्कार में आपको वाक्पटुता और विचारों के स्पष्ट प्रकटीकरण कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। वो एक प्रकार का छोटा सा ड्रामा होता है इंटरव्यू के दौरान, जो कि जिसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपको उत्तेजित करने वाले हो सकते हैं। तो वो आपको सारी रणनीति को समझना होगा कि प्रश्न पूछने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। आपकी ज्ञान की परीक्षा तो हो ही चुकी है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे क्या वो चाहते क्या है, तो इंटरव्यू की रणनीति बिल्कुल अलग होती है। तो छात्रों को ये समझना होगा, बहुत ज़रूरी है कि हमको एक सांगोपांग रणनीति बनानी पड़ेगी आईएएस से निपटने के लिए। और ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा पहले प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं, फिर उसमें सफल हो जाएंगे तो मेंस की तैयारी करेंगे, और मेंस में अगर सफल हुए तो इंटरव्यू नहीं। आपको डे वन से, पहले दिन से ही आपको ये प्रयास करना होगा कि आईएएस के बारे में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके, एक समन्वित अप्रोच लेके आप चलें, जिससे कि प्रधान परीक्षा, साक्षात्कार और जो प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा है, इन तीनों की रणनीतियों को एक साथ आपको लागू करके आगे बढ़ना होगा। तो मेरी इस श्रृंखला में ये जो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, इसमें हम आपका दो तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे अपने छात्रों का। पहला तो हमारी रणनीति ये होगी कि आईएएस की जो टोटल परीक्षा है उसके बारे में एक सांगोपांग होलिस्टिक जो अप्रोच होता है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आईएएस में सफलता के लिए कैसे एक हम समेकित दृष्टिकोण लेके चलें। और दूसरा, हम हर चरण के लिए जो रणनीति होती है कैसे हर चरण से निपटा जाए, वो बड़े कठिन होते हैं। अगर वो रणनीति का ज्ञान नहीं तो आपके लिए बहुत ही कठिन है वो, लेकिन अगर रणनीति का आपको ज्ञान है तो आपके लिए सफलता में कोई संदेह नहीं हो सकता। तो आगे चल के हम इन दो प्रकार की रणनीतियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, एक सांगोपांग और एक प्रत्येक चरण के लिए जो हम रणनीति अपनाएंगे। हम प्रत्येक सप्ताह में
बृहस्पतिवार को और सोमवार को आपके लिए आईएएस से और आईएएस की परीक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश करने का प्रयास करेंगे कि आपको एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो कि जिससे कि वास्तव में आपको अपने परीक्षा की तैयारी में कुछ लाभ मिल सके उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और मुझे आशा है कि आपको हमारे श्रृंखला जो प्रस्तुतिकरण जिस तरीके से हम करने की योजना बना रहे हैं उससे आपको अवश्य इसमें कुछ मदद मिलेगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसमें कोई अपने सुझाव देने की कोशिश अगर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एकदम प्रारंभिक चरण में हैं और आपके सुझाव अगर इस आएंगे तो उसको इसी प्रारंभिक चरण से ही हम लागू करने में सफल हो सके तो हो सकता है कि आपको और अच्छा रहे। इसलिए मैं आप सभी का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सुझाव भी जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।